I fuck with you, baby, you right You wanna for me, goodbye You ain't shit to me Shit to me, shit to me. You ain't shit to me बिल्कुल मे यूटूब फैमिली कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज का जो व्लॉग है वो मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ तो रात में यहाँ पर मेरी थी बर्थडे और उसकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ली थी सिंपल बहुत ज़्यादा ऐसा सच कोई नहीं आया था ना कोई ऐसी डेकोरेशन करी थी बस सिंपल थोड़े से बलूस लगा दिए थे फॉर पिक्चर और इसलिए क्योंकि आप लोग के ना मुझे व्लॉग बनाना था तो मैंने सोचा बस थोड़े से बलूनस लगा लूँ क्योंकि वैसे जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी पहले तो मैं सिम्पली इतनी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करती थी बस पर ऐसी केक कट कर लेते थे तो बस अब आप लोग की ने मैंने थोड़े बलून्स लगा दिए कि आप लोग को वीडियो में अच्छे लगें और यहाँ पर ये था ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट केक तो वो खा रहे थे और बहुत मज़े का केक लगा सबको ये फिर ये थे गिफ्ट और गिफ्ट आप लोग बोलोगे थोड़े से तो कोई आया नहीं था सिर्फ घर वाले ही थे तो बस थोड़े से गिफ्ट बाकी सब ने पैसे दे दिए थे तो यहाँ पर इसमें सिर्फ परफ्यूम्स थे और और भी परफ्यूम्स थे तो बस जो मैंने दिखा सकी हूँ मैंने आप लोग को दिखा दिया और यहाँ पर ये यह है नेक्स्ट डे का क्लिप नेक्स्ट डे दोपहर ये मॉर्निंग का है ब्रेकफास्ट का तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स काट लिए थे और वो खा रही थी और जो तो मेरे ब्लॉग दिखते हैं उनको पता है कि मैं फ्रूट्स बहुत शौक से खाती हूँ तो वही खा रही थी मैं ब्रेकफास्ट में और मज़ेदार से फ्रूट्स और इसमें मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ ना चीनी ना नमक क्योंकि फ्रूट्स नेचुरल खाने चाहिए उनमें वैसे भी होती है चीनी ऑलरेडी तो यहाँ पर यह है दोपहर का कैप और दोपहर में बनी थी बारबी की बिरयानी जो कि आजकल हमारी हुई है मोस्ट फेवरेट तो ये वो है और कभी हम सेला चावलों में बनाते हैं कभी बासमती तो आप लोग बताइएगा आप लोग किस चावलों में बनाते हैं तो आजकल हम बासमती पसंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत लाइट होते हैं और खा लिए जाते हैं दोपहर तो के वक्त खास तौर पे तो ये बना ली थी और इसके साथ रायता बना लिया था और ये सब ने इन्जॉय किया बहुत मज़े से फिर ये है रात का क्लिप और क्योंकि मौसम आजकल बहुत प्यारा हो रहा है तो दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छा सा बना लें और फिर यहाँ पे आलू के पराठे बना लिए थे और ये सिंपल आलू के पराठे जैसे आलू का मिक्सचर होता है वो पराठों में भरा और उसको फिर आ, सेक लिया ऑयल ला के पराठे जैसे बनाते हैं वो बना लिया और इसके साथ दही का रायता बना लिया था हरा रायता और प्याज तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं हर चीज़ के साथ खाती हूँ प्याज फिर यहाँ पर सब बहुत शौक से पराठे खा रहे थे और यह था मेरा बड़ा वाला पराठा और ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी मैं और ये ग्रीन रायता है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत सी वीडियो में तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर और अगर आपको आलू के पराठे की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं आप लोग को ज़रूर दूँगी और ये बहुत मज़े का बना था इसकी फिलिंग बहुत मज़े की बनी थी तो बहुत ऐसा लग रहा था जैसे आलू के समोसे की फिलिंग नहीं होती वैसी तो वो थी है फिर यहाँ पर यह है नेक्स्ट डे का क्लिप नेक्स्ट डे मैंने ब्रेड टोस्ट कर ली थी और आ, फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट करने का आ, सोच ही लिया कि कुछ अच्छा कुछ हैवी ब्रेकफास्ट कर लूँ तो यहाँ पर मैंने एग फ्राई कर लिया था और ब्रेड टोस्ट कर ली थी तो मुझे ब्रेड ऐसे नहीं पसंद मैं हमेशा टोस्ट करके खाती हूँ तो ये मैंने टोस्ट कर लिया और इसके साथ ही वरना मुझसे खाया नहीं जाता है एग तो टोस्ट ब्रेड होती ना टोस्टेड ब्रेड तो उसके साथ खा लिया जाता है एग फिर यहाँ पर ये दोपहर का क्लिप है दोपहर में बनी थी कड़ी और मज़ेदार सी कड़ी बनी थी इसको रोटी के साथ खा लेती है और कड़ी जब बनती है तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो यही हुआ था हमारे यहाँ भी ज़्यादा क्वांटिटी बनी थी और प्याज तो जो कि हर चीज़ के साथ लाजमी है मेरी आ, वो खा रहे थे और ये पकौड़े वगैरह बहुत मज़े की आप लोग क्या चिकन कड़ी बनती है आप लोग बताइएगा इसका एक वेरिएशन ये भी हो सकता है कि बोनलेस चिकन को बेसन में डिप करके फ्राई कर लें और उसमें भी फिर कड़ी का जो मसाला होता है उसमें डाल के बना सकते हैं तो मैंने एक बार ट्राई करी थी बहुत मज़े की थी लेकिन अभी तो ये सिंपल जो ऑरिजिनल कड़ी बनती है वो है फिर ये है रात के लिए रात में भी सोचा कड़ी जब बची है तो उसको ज़ाया नहीं करें उसके साथ फ्राई राइस बॉईल कर लें और कबाब फ्राई कर लें तो बस ये खा लिया था रात में और कबाब फ्राई कर लिए थे इसके साथ और जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो रात तक चलती है वो और एक टाइम रोटी से खा ली और एक टाइम राइस से खा ली तो आप लोगों को किस चीज़ के साथ पसंद है राइस के साथ या रोटी के साथ ज़रूर बताइएगा फिर क्लिप है और यहाँ पर मैंने बना लिया था चीकू का शेक तो मैं बहुत शौकीन हूँ शेक्स की फ्रूट्स की इस तरह मुझे फ्रूट्स पसंद है ना इसी तरह फ्रूट्स में शे शेक्स वग़ैरह भी पसंद है फ्रूट के शेक्स तो इसलिए मैं ये बना लेती हूँ और ब्रेकफास्ट का भी कबा इसी से कर लेती हूँ फिर ये दोपहर का क्लप है और दोपहर में यहाँ पे कबाब तल लिए थे जो कि आजकल मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट हुए हैं और हमारे यहाँ के बनते भी बहुत मज़े के हैं अच्छा हम लोग ना चॉपर में इसको नहीं पीसते हैं इसको हम लोग जो होती है ना जिसमें हम लोग चटनी वग़ैरह पीसते हैं उसमें पीसते हैं तो इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है ये और फिर इसके साथ प्याज वग़ैरह खा ली थी जो कि लाजमी है तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग पसंद हैं ताकि मैं कोशिश करूँ इस तरह के ब्लॉग्स बनाऊँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंगाफ